हेलो डियर स्टूडेंट, तो हमारा सीईटी पीजी का बॉटनी जूलॉजी जो भी है पीजी का आंसर की आ चुका है, तो सबका इंतज़ार एकदम ख़त्म हो चुका है। आपको ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहां से चेक कर सकते हैं। आपका यहां पे एप्लीकेशन नंबर देना है, ठीक है। यहां पे आप डेट ऑफ बर्थ आप चूज कर लेंगे, मान लीजिए मैं डेट ऑफ बर्थ चूज करता हूँ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो आपका है आपको सिंपली इंटर कर देना है, 9A7351। आपको करना क्या है, यहाँ पे साइन इन कर देना है। ओके, साइन इन कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर व्यू करने के लिए दे रहा है ना, क्लिक टू व्यू। यहाँ से आप क्लिक टू व्यू करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर की आपका विजिबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर की जो है आपका विजिबल हो जाएगा पूरा, ठीक है। PGQP22 का हम देखते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आईडी ये है, ठीक है, क्वेश्चन आईडी ये है, करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन आईडी का ये करेक्ट ऑप्शन है। आप अपना आंसर की डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे इसे मैच करके देखेंगे कि आपने यही चूज किया है कि नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पूरा आपका आंसर की है। चलिए हम आपको एक बार, यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर आ गया, यहाँ पे जो भी आपने आंसर की आंसर आपने चूज किया यहाँ पे आंसर आपका दिखेगा, ठीक है। आपने जो भी आंसर की से आप यहाँ पे नॉट अटेम्प्ट आपने जो नहीं किया होगा ऐसे लिख के आएगा, और जो आपने किया होगा आंसर यहाँ पे रहेगा। आंसर की मैंने आपको दिखाया, ठीक है। आंसर की ग्रुप में मैं डाल दूंगा या आप अपना डाउनलोड करके वहाँ से मिला लेंगे सीधे सीधे, ठीक है। तो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेगा, मैं बता देता हूँ अप्रॉक्स जो भी किए हैं। अगर आपका 20-25 क्वेश्चन निगेटिव है तब भी टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन निगेटिव जो आपको 35 से ज़्यादा निगेटिव हो गए तो थोड़ा अच्छे यूनिवर्सिटी का चांस कम हो जाता है। लेकिन मैं कह देता हूँ आपका 20 से 25 क्वेश्चन निगेटिव हो रहा है तो ये सबका निगेटिव इतना इतना हुआ है, तो उसका कोई टेंशन नहीं लेगा। अभी रिजल्ट का वेट कर लेगा, कट ऑफ का वेट कर लेगा, अच्छा जगह होगा। ओके, चलता हूँ मैं, जल्द से किसी और वीडियो में मिलूँगा और आपके साथ जुड़ा रहूँगा। ओके, मोटिवेटेड रहिए।